केंद्र की मोदी सरकार वालों लिया किसान विरोधी बिलों के खिलाफ पिछले 54 दिनों तो पंजाब समेत वख-वख सूबों के किसान मजदूर और इंसाफ पसंद लोग लगातार काले कानूनों रद्द करवाने लिए चट्टान वांग दिल्ली में डटे हुए हैं तो लगातार खुले आसमान थले कड़ाके की ठंड में शांतमई ढंग के रोस प्रदर्शन कर रहे हैं पर जित वाल सिखना गए किसानी अंदोलन खुंडा करने केंद्र सरकार अपनी लूंबड़ चाल चल रही है। बीते दिन श्री अकाल तख्त साहब के सबका जथेदार इंटरनेशनल पंथक दल के कौमी प्रधान सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा रोडे समेत अनेक होर शख्सियतों केंद्र की जांच एजेंसी NIA वालों नोटिस भेजे गए हैं दिल्ली में पेश होने आख्या गया। केंद्र सरकार बखलाहट में आके घटिया हरकतों से उतर आई है तो मुख्य तौर पर सेवावान निभाने वालों से परचे दर्ज कर लगी है। मोदी सरकार को दस देना चाहते हैं कि वह जिन्ने मर्जी झूठे परचे कर दे किसानी संघर्ष लगातार होर तिखा होगा। इन्होंने शब्दों का प्रगटावा इंटरनेशनल पंथक दल के आल इंडिया प्रधान जथेदार हरचंद सिंह चक्कर और कौमी एग्जैक्टिव मैंबर जथेदार दलीप सिंह चक्कर ने विशेष मिलनी के दौरान किया। उन्होंने अगे कहा कि इंटरनेशनल पंथक दल वालों सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी रोडे की अगवाई में विशेष तौर पर दिल्ली सिंगू बार्डर से पिछले 45-46 दिनों तो किसान बचाओ मोर्चे के राही जिथे गुरसंगतों लगातार लंगरों के प्रबंध किए जा रहे हैं उत्थे फ्री मैडिकल कैंप चल रहा है बुजुर्गों विशेष विश्राम घर दहूलत मुहैया करवाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ इनकम TV।